आप लोग को एवेक प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। मेरे पास दो एवेक्स प्लांट हैं, दोनों लो मेंटेनेंस प्लांट हैं। इसमें मेंटेनेंस की कोई खास ज़रूरत नहीं होती, आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। हाँ, इसे फर्टिलाइज़र की भी खास ज़रूरत नहीं है। कभी कदाप इसे कुछ बर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, बस हो गया। हाँ, इसका पॉटिंग मिक्स अच्छा होना चाहिए। इसके पॉटिंग मिक्स में 2 पार्ट सैंड दीजिए, 1 पार्ट सॉइल दीजिए और 1 पार्ट्स बर्मी कंपोस्ट। सबको मिक्स कर लगा दीजिए और ये अच्छी चल पड़ती हैं। हाँ, इसका प्रोपोगेशन भी बहुत आसान है। इसका प्रोपोगेशन में ये खुद पफ निकालते हैं, ये साइड से पफ निकलते हैं और आराम से हो जाता है। यहाँ देखिए, इस प्लांट्स में हमारे पफ आए हैं। मैंने इस तरह से 3-4 प्लांट्स ऑलरेडी लगाए। इसके जो इसे शेप में देना बहुत ज़रूरी है। इसे शेप में देने के लिए आप इसका साइड से प्रूनिंग करते रहिए। देखिए, जैसे मैंने यहाँ प्रूनिंग किया है, इसमें भी देखिए मैंने यहाँ प्रूनिंग किया है। ये प्रूनिंग करने से ये शेप में रहती है और सुंदर दिखती है। ये ऑलवेज कुछ दिनों में प्रूनिंग करते रहिए तो ये शेप में आती है और बहुत अच्छी चल पड़ती है। हाँ, इसके फर्टिलाइज़र में भी आपको कोई खास देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, बर्मी कंपोस्ट से ही ये अपना काम है। हाँ, इसे शेडी एरिया में रखिए। सनलाइट में ये पत्ते इसके मुड़ जाते हैं और ये पत्ते इसके गंदे दिखने लगते हैं, लेकिन इसे शेडी एरिया में ये पत्ते चमकदार रहते हैं और शेडी एरिया में ये अच्छे चल पड़ते हैं। ये हाँ, मेरे पास 2 प्लांट्स हैं, लेकिन एवेक्स के बहुत सारे किस्म आती है। मेरे पास 2 है। एक में देखिए मेरा वाइट स्ट्रिप्स है और एक में देखिए मेरा येलो स्ट्रिप्स है। दोनों के कलर में भी डिफरेंस है, दोनों बहुत चमकदार हैं। कभी कभी बीच बीच में मैं इसे NPK लिक्विड बनाकर स्प्रे कर देती हूँ। इसके अच्छे अच्छे चमकदार पत्ते निकल पड़ते हैं। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कीप गार्डनिंग। बाय।